जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लू शू में। और आज हम जिस मुहावरे और इससे जुड़ी कहानी को लेकर आए हैं, उस मुहावरे का नाम है 99 का फेर। आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक नगर में एक बड़ई और एक बनिया रहा करते थे और दोनों आपस में पड़ोसी थे। बनिया जो था वो बहुत ज़्यादा अमीर था, उसका बहुत कारोबार फैला हुआ था, कई एकड़ ज़मीन थी उसकी। उस ज़मीन के अंदर गेहूँ, सरसों, बहुत फसलें, दाल चावल सब उगा करते थे। और उसके गल्ला मंडी के अंदर गोदाम भी थे सरसों का, तेल का और अपना घी का। तो उसका अच्छा व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था और वो ऊपर से ब्याज का काम भी करता था, तो उसका ब्याज का भी पैसा जो है उसके घर में आता था। अब बनिया जो था वो थोड़ा सा कंजूस था, मतलब वो बहुत ही एक एक पैसे को लेके और एक एक दमड़ी को लेके वो अपना बाज नहीं आता था और वो अपना छोड़ता नहीं था। अब जो उसके घर में सेठानी थी तो वो थोड़ी सी अलग जो थी मिजाज की थी। उनको ये लगता था कि हमारे पास इतना सब कुछ है, इतनी धन दौलत है, इतनी शोहरत है, इतनी इज्जत है, उसके बाद भी हम लोग खुश नहीं रह पाते, ठीक है। और उसमें उनको लगता था कि सेठ जी सुबह से शाम तक काम करते हैं, उसके बाद शाम को आते हैं, शाम को घर में आने के बाद भी अपना गल्ला संभाल के, मतलब सारा भाई खाता संभाल के और सारा हिसाब किताब लेखा जोखा देख कर उसी में समय व्यतीत कर देते हैं और हमारे लिए उनके पास कोई समय नहीं है। अब उनके परिवार के अंदर संयोग से उनके बच्चे भी नहीं थे, तो उनके परिवार में ले दे के सेठ थे, सेठानी थी और सेठ जी की माता जी थी। वो थोड़ी सी वृद्ध थी और वो अपना चल फिर नहीं पाती थी, तो सेठानी भी जो थी मतलब उनके साथ इतना ना बातचीत कर पाती थी। एक होता ना जैसे एक आपको मिल जाता है एक मेल जोल करने के लिए या फिर बातचीत करने के लिए, तो वो भी उस लायक नहीं थी कि वो अपना सेठानी से बातचीत कर पाए। अब उनकी माँ की भी जो सेवा थे वो नौकर चाकरी करते थे, कई सारे नौकर चाकर थे सेठ जी के घर में, तो वैसे इनके घर का एक माहौल था। तो सेठानी जो है वो थोड़ी सी उदास रहती थी, इस बात से चिंतित थी कि मतलब इतना सब कुछ कमाने के बाद भी अगर हम लोग खुश नहीं रह पाते तो उसका फिर फायदा क्या। अब दूसरी तरफ जो बड़ई था, बड़ई मतलब कारपेंटर, आप अगर इंग्लिश में बोले तो कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है, तो बड़ई का परिवार उनके बिल्कुल साथ में पड़ोस में रहता था। अब बड़ई का जो परिवार था वो अपना बहुत खूब खुश रहता था, मस्त रहता था। बड़ई की आमदनी जबकि इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो डेली अपना कमाता था, डेली खाता था, उनका गुजारा अच्छा चल रहा था, लेकिन अपनी आमदनी के हिसाब से वो अच्छा पहनते थे, अच्छा खाते थे और खुश रहते थे, सबसे बड़ी बात। तो उनके घर को देख के सेठानी को थोड़ा सा लगता था कि मतलब इसकी तो आमदनी भी इतनी अच्छी नहीं है और मतलब उसके बावजूद भी ये लोग सब इतना खुश रहते हैं कैसे। तो एक दिन की बात है, अपना सेठानी जो है सेठ जी के साथ झरोके पे बैठी थी, खिड़की पे बैठी थी, तो सामने उनको बड़ई के आंगन नज़र आ रहा था। तो बड़ई जो है अपनी पत्नी के साथ और उसकी दो बेटियां थीं बड़ई की, तो छोटी छोटी बच्चियां थीं, उनके साथ अपना हंस बोल रहा था, हंस बातचीत चल रही थी, उनकी बच्चियां आपस में आंगन में खेल रही थीं। तो उसको देख कर सेठानी ने एकदम से सेठ जी को बोला कि ये देखो मतलब हमसे बढ़िया तो ये हैं, इनका तो कोई आमदनी का इतना भी जरिया नहीं है, हमारे पास तो इतना पैसा है उसके बावजूद भी हम खुश नहीं रह पाते, और अब छोटी सी आमदनी के अंदर इतना छोटा सा परिवार कितना संपन्न और कितना खुश जो है वो रह पाता है। तो सेठ जी ने बोला, सेठ जी थे तो थोड़े से समझदार, कंजूस थे वो बात अलग है, लेकिन थे तो थोड़े से समझदार। तो सेठ जी ने उनको बोला, सेठानी को अपनी, कि इनके पास सबसे बड़ा धन है वह है संतोष का धन। संतोष मतलब सेटिस्फैक्शन का धन है, कि उनके पास जितना है उतने में वो खुश हैं। जब ये अलग संतोष का जो धन है अगर वो खत्म हो जाएगा जिस दिन, तो ये लोग भी हमारी तरह जीवन व्यतीत करेंगे, परेशान रहने लगेंगे। तो सेठानी को बात समझ में नहीं आई, उनको लगा कि क्या तुम संतों जैसी बात कर रहे हो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो सेठ जी ने बोला सेठानी को, तुमको ना हर चीज़ जो है उदाहरण देकर समझानी पड़ती है, एग्जाम्पल देकर समझानी पड़ती है, तो मैं तुमको एग्जाम्पल देकर ही समझाता हूँ इसको। तो सेठ जी ने क्या किया सेठानी को समझाने के लिए कि 99 का फेर जो होता है वो क्या होता है, सेठ जी ने उनको समझाया कि मतलब ये जब तक संतोष का धन है तब तक तो ये खुश हैं, जहाँ ये 99 के फेर में पड़े तो ये अपना परेशान रहना शुरू हो जाएंगे। तो उनको समझाने के लिए सेठानी को कि 99 का फेर आखिर में होता क्या है, तो उन्होंने एक योजना बनाई। अब सेठ जी ने अपना एक दिन 99 रुपये बोलो या सिक्के बोलो, उसकी एक पोटली बनाई, चमड़े की पोटली बनती थी उस समय, तो वो पोटली बना के और अपना बड़ई के शाम के टाइम पे आंगन में फेंक दी। अब बड़ई जो था अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत कर रहा था, हंस बोल रहे थे वो लोग, तो उनको धमकी एकदम से एक कुछ चीज़ गिरने की अपने आंगन में आवाज़ आई।
अब आवाज आई तो वो अपना बड़ाई और उसकी जो पत्नी है वो अपना बाहर निकले। बाहर निकले तो उनको एक थैली पड़ी हुई दिखी अपने आंगन में। अब उन्होंने उत्सुकतावश अपना थैली उठाई। अब थैली उठाई, थैली को लेकर घर के भीतर आ गए। वहाँ पर उन्होंने थैली खोली, पलटी थैली तो उसके अंदर उनको 99 सिक्के मिले, सोने के सिक्के मिले उसमें। अब 99 सिक्के मतलब जब उन्होंने पलटे तब तो गिने नहीं, पलटने के बाद उन्होंने गिने तो वो सिक्के निकले 99। 99 मतलब 99। तो वो जब उन्होंने देखे सिक्के, अब उनके लिए तो एक आधा सिक्का भी बहुत बड़ी बात होगी अपना बड़ाई और उनकी परिवार के लिए। उन्होंने तो इतना धन कभी देखा ही नहीं अपनी अपना जीवन में, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी कि 99 सोने के सिक्के उनके पास कहाँ से आ गए। तो वो थोड़े से परेशान हुए, लेकिन लालची नहीं थे वो लोग। तो उनको लगा कि अपना बनिया जो है सेठ जी हमारे पड़ोस में रहते हैं, तो हो सकता है कि उनकी थैली किसी से गलती से यहाँ पर गिर गई हो। तो उन्होंने क्या किया, अपना वो वाली अपना थैली उठाई और थैली उठा के जो बड़ई था वो अपना सेठ जी के पास चला गया। दरवाज़ा खटखटाया उन्होंने, सेठ जी बाहर निकले तो उन्होंने बड़ई ने सेठ जी को थैली पकड़ाते हुए बोला कि सेठ जी ये आपकी थैली गलती से हमारे आंगन में गिर गई थी, आप अपना संभाल लीजिए इसको। तो सेठ जी कहते नहीं भैया ये तो थैली मेरी नहीं है। तो बड़ई कहता अब आपकी नहीं है तो फिर किसकी है। कह रहा वो तो मेरे को मालूम नहीं, हो सकता है कोई चील का हुआ थैली को उठा के अपना मांस समझ के, क्योंकि चमड़े की बनी हुई थी वो, तो उठा कर कहीं उड़ रहा हो तो आपके आंगन में गिर गई हो, हमारी तो नहीं है ये, आप ले जाइए इसे। अब बड़ई जो था उसकी बात सुन के, सेठ जी की बात सुन के वापस आ गया। वापस आके उसने अपनी पत्नी को सारी पताई कहानी की, नहीं नहीं ये तो उनकी नहीं है। अब हुआ क्या कि अब जब उन्होंने अपना जो पोटली थी घर में ले आया अपने सिक्कों की, तो उसके बाद उनकी एक मानसिकता बिल्कुल से बदल गई। अब सेठ जो अपना बड़ई की पत्नी थी वो सोचने लगी कि भैया ये अब 99 सिक्के तो हमको मिल गए हैं, ठीक है, अब कल का क्या भरोसा, कब तक जीवन है कब तक नहीं है, दो बच्चियां हैं हमारी, उनका विवाह भी करना पड़ेगा। उनको लगा कि ये 99 के हम 100 बनाएंगे, 100 के बाद 199 बनाएंगे, 199 के फिर 200 का आ जाएगा हिसाब, फिर 299, तो 99 के फेर में पड़ गए। अब वो लोग इतना खुश नहीं रहते थे जितना वो पहले रहते थे। अब वो लोग भी छोटी छोटी चीज़ों में कटौती करने लगे, खान पीन में, रहने सहने में, पहनने ओढ़ने में। अब ये कटौती के चक्कर में उनके घर में भी परेशानियां बढ़ने लगी, झगड़े होने लगे, छोटी छोटी बच्चियां थीं वो भी आपस में झगड़ती थी, परिवार की जो सुख शांति थी वो आप समझिए एकदम से ख़त्म हो गई, एकदम से चली गई। तो थोड़े दिनों के बाद, कुछ समय के बाद, अपना सेठानी और सेठ दोबारा से अपना झरोके पे अपना खिड़की ऊपर बैठे हुए, तो उनकी नज़र उस परिवार के ऊपर पड़ी जो आंगन में बैठा हुआ था। तो उनको लगा कि मतलब उनकी जो चेहरे की रौनक थी वो ख़त्म हो गई है, जो एक उत्साह, एक हर्ष, उमंग जो रहती थी उनके परिवार को दे परिवार के अंदर, तो वो वहाँ पर खुशियाँ उनकी जो है सारी की सारी कहीं तो कहीं ख़त्म हो गई हैं। तो सेठानी ने उनको बोला कि सेठ जी को कि ये आखिर हुआ क्या। तो सेठ जी ने तब उनको बोला कि एक अब एक उन्होंने दोहा सुना है, आप बोलिए कोई भी। तो सेठ जी ने उनको एक बात बोली कि हो रत्नों की खान तो भी दुश्वारी, हो रत्नों की खान तो भी दुश्वारी, जिस पर हो संतोष, जिसके पास है संतोष वो रहे सुखारी, वो हमेशा सुखी रहता है। तो संतोष का जो धन होता है वो आपका किसी भी धन से बहुत ज़्यादा अधिक होता है, और जिसके पास वो धन है, संतोष का धन है, वो हमेशा खुश रहेगा। आप जितना मर्जी जोड़ लीजिए, जितना मर्जी कर लीजिए, आज की भी आप देखेंगे इस दौर, आज के युग में भी हर कोई, मतलब इंक्लूडिंग मी, हर कोई 99 के फेर में पड़ा हुआ है, जहाँ पर उसका कोई अंत नहीं है, किसी भी इच्छाओं का अंत नहीं है, अपनी आकांक्षाओं का अंत नहीं है, आप जितना भी कमा लीजिए वो कम है। तो इसके लिए संतोष जो है, संतोष रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिसके पास रहेगा संतोष वो रहेगा सुखी। तो उसके बाद फिर सेठ जी ने बोला कि भैया ये जो हैं ये भी हम लोगों की तरह अपना एक एक कौड़ी बचा रहे हैं, और एक एक कौड़ी बचा के वो 99 को 100 करने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो ये अपना 99 के फेर में पड़ चुके हैं। तो दोस्तों तब से ये कहावत जो है वो अपना प्रचलन में आई कि 99 का फेर। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जुड़े रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, संतोष रखिए। जय हिंद।